आखिरकार क्या हुआ? जब राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरान नासा के वैज्ञानिक को जो मिला, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए यही स्थान सही था। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब तय हो चुकी है और कई सालों के संघर्षों के बाद वह दिन आ चुका है जब श्री राम मंदिर के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद संपूर्ण देशवासियों की अपील पर सरकार ने रामायण का प्रसारण शुरू करवाया तो पूरे देश में भक्तिमय माहौल बन गया। अब अयोध्या को लेकर जो खबर आई, उसे जानने के बाद भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था और भी मजबूत हो गई है। यहां राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन के समतलीकरण की प्रक्रिया में ऐसे अवशेष मिले हैं जो यहां पहले से मंदिर होने के दावे को और भी मजबूत करते हैं। यह अवशेष राजा विक्रमादित्य के काल के बताए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इनसे जुड़ी तस्वीरें और जानते हैं इस बारे में और गहराई से। कलयुग में राजा विक्रमादित्य ने की थी अयोध्या की खोज। त्रेतायुग में अयोध्या की पावन धरती पर भगवान राम का जन्म हुआ था। कलयुग में माना जाता है राजा विक्रमादित्य ने सैकड़ों वर्ष पहले अयोध्या की खोज की थी और फिर यहां भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया था। माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य भगवान राम के परम भक्त थे और उस काल में राम की जन्मभूमि को खोजकर उनका मंदिर बनवाने की चाह रखते थे। अयोध्या से जुड़े महंत और संत बताते हैं कि तीर्थराज प्रयाग ने कलयुग में श्री राम की जन्मभूमि को खोजने में राजा विक्रमादित्य की मदद की थी। उन्होंने राजा को एक गाय दी और बोला कि गाय के थन से जहां पहुंचकर दूध निकलने लगे, समझ लेना वही भगवान राम की पावन धरती है। विक्रमादित्य गाय को लेकर चल दिए। अयोध्या पहुंचते ही गाय खड़ी हो गई और उसके थन से दूध बहने लगा। विक्रमादित्य को समझ आ गया है कि यही उनके राजा राम की धरती है। अयोध्या की खोज करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने यहां चोरिया सी कसौटियों के खंभे से यहां भगवान राम का भव्य और बहुत ऊंचा मंदिर बनवाया। बताते हैं कि यह मंदिर इतना ऊंचा था कि मुगल शासक बाबर जब पहली बार लखनऊ आया तो उसे वहां से ही यह मंदिर नजर आ गया था। लखनऊ आकर बाबर ने जब पूर्व दिशा की ओर देखा तो उसे दो चंद्रमा दिखाई दिए। उसने मीरबाकी से पूछा कि दिल्ली में तो मुझे एक ही चांद दिखता है, मगर यहां दो चांद कैसे दिख रहे हैं? तब उसे मीरबाकी ने बताया कि जिसे वह दूसरा चांद समझ रहे हैं, दरअसल वह अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर लगी चंद्रकांत मणि है। ऐसी कथा है कि मणि को देखकर बाबर के मन में लालच आ गया और उसने मीर बाकी को 10,000 सैनिक देकर मंदिर पर आक्रमण करने को कहा और मणि लाने को कहा। उस समय अयोध्या के लाखों लोगों के आगे मीर बाकी और बाबर की सेना ने घुटने टेक दिए, मगर काफी समय के बाद बाबर ने मीर बाकी को सेना के साथ भेजकर मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। अब जो अवशेष मिले हैं वहां बताया जा रहा है विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए इसी मंदिर के अवशेष हैं। अवशेष में सुदर्शन चक्र की कलाकृतियां, देवी देवताओं की प्रतिमा और अमृत कलश, पुष्प कलश और ऊंचे ऊंचे खंभे मिले हैं।